हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। अब गरीबी क्या होती है लेमन लैंग्वेज में तो हमें पता है, बट इकोनॉमिक्स के टर्म में गरीबी क्या है वो हमें पढ़ना है। बट आगे चलने से पहले हल्का सा आपको इंडेक्स बता दूं कि हमें टॉपिक्स कौन कौन से पॉवर्टी के अंडर कवर करने हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन फॉर्म में थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। फिर यूनाइटेड नेशंस ने पॉवर्टी को किस तरह से एक्सप्लेन किया है, वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी के बारे में क्या समझता है, क्या उसकी डेफिनेशन देता है, हल्का सा वो पढ़ेंगे। देन ये भी थोड़ा बेसिक है, कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी एंड कॉजेज ऑफ अर्बन पॉवर्टी, शहरों में जो गरीबी है, गाँव में जो गरीबी है, उसके क्या रीजन्स हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, इंडिया में पॉवर्टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसके लिए वेरियस कमेटीज बनाई गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो कमेटीज बनाई गई सबके जो है अपनी अलग अलग आउटकम्स थी, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये MPI है, पॉवर्टी इंडेक्स है, इनके क्या मेजरमेंट है, क्या क्राइटेरिया है, किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, कौन से इंडिकेटर्स हैं वो पढ़ेंगे। लास्ट में पढ़ेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, गरीबी हटाओ कार्यक्रम, ठीक है। अब देखिए इतना सब कुछ तो एक वीडियो में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, राइट, तो इतना लंबा अगर मैं कंटेंट पढ़ाऊंगी तो आई थिंक ये 40 मिनट्स के अराउंड वीडियो हो जाएगी, तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। अब मैं जो पढ़ाऊंगी इन्हें पार्ट्स के फॉर्म में पढ़ाऊंगी, तो आगे का तो हम देखते हैं किस तरह से डिवाइड होता है। बट आज के पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है मीनिंग, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, एंड देन कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी एंड कॉजेज ऑफ अर्बन पॉवर्टी, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन कंटेंट। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूव होंगे। नाउ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा होता है, थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी उसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग, यानी स्पेस पे हमें सिर्फ मीनिंग पढ़ना है। नाउ क्या होती है गरीबी, क्या होती है पॉवर्टी, स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन लैक्स द रिसोर्सेज फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मिनिमम इंसान को जीने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी अगर वो अपनी ज़रूरतों को पूरी ना कर सके, तो ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन, ऐसे स्टेट को हम कहते हैं पॉवर्टी, ठीक है। स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन लैक्स द रिसोर्सेज फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमें सिंपल से चीज़ें जीने के लिए चाहिए वो रिसोर्सेज ही हमारे पास नहीं है, वो चीज़ें ही हमारे पास नहीं है, तो वो हो गई गरीबी। नाउ ट्रेडिशनली, अब पुराने टाइम में हम गरीबी को एक्सप्लेन करते थे कि जिसके पास खाना नहीं है, साफ पानी पीने को नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, है ना, सर के ऊपर कहते हैं कि छत्र नहीं है, कब पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे क्या मतलब नॉर्मल कपड़े नहीं है कि सर्दियों में मोटे कपड़े, गर्मियों में पतले कपड़े, इस तरह की अगर चीज़ें नहीं हैं तो वो है गरीब। लेकिन टाइम के साथ मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज आई, अब उसके हिसाब से गरीबी को एक्सटेंड किया गया, क्योंकि गरीबी सिर्फ ये बेसिक चीज़ें नहीं है, गरीबी में आता है हेल्थ केयर, जिसके पास मेडिकल अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन जिसको नहीं मिल रही है, जो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं जो है वो यूज़ कर पा रहा है, तो ऐसा इंसान भी गरीबी के अंडर ही आता है। नाउ अब 2011 का सेंसस जब हुआ था तो उसमें हल्का से इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसकी गरीबी के बारे में बताया गया था, तो उसके हिसाब से इंडिया में 21.9% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2011 सेंसस। अब 2011 के सेंसस के हिसाब से है, प्लस इसमें एक चीज़ और है कि एक कमेटी बनी थी, ठीक है, उस कमेटी ने भी सेम यही एस्टिमेशन दिया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा हो गया हमारा। अब यूनाइटेड नेशंस क्या बोलता है कि गरीबी क्या है और वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि गरीबी क्या है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दें। अब UN स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, ये तो आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन कब हुई थी, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, हेड कौन है, वो सब कुछ मैंने आपको टॉपिक ऑफ द डे में जो स्टैटिक GK पढ़ाया था उस टाइम पे पढ़ाया था, ठीक है। नाउ यूनाइटेड नेशंस की क्या डेफिनेशन है पॉवर्टी के लिए, तो प्रॉपर डेफिनेशन तो देखिए इनकी नहीं है, बट ये पॉवर्टी से क्या समझते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ बेसिक कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन दी सोसाइटी, समाज में अगर आप अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को इन्होंने गरीबी बताया है। इनसिक्योरिटी, आप इनसिक्योर हैं, आपको लगता है कि हम सेफ नहीं है। पावरलेसनेस, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पावर नहीं है, मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं वो कर नहीं पाऊँगा, मुझे कुछ अच्छा खाना है मैं खा नहीं सकता, मुझे कहीं बाहर जाना है मैं जा नहीं सकता, वो जो पावरलेसनेस है वो गरीबी है। एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स, कई बार क्या होता है ना कि जो गरीब लोग हैं उनको अलग किया जाता है, उनको दूर दूर किया जाता है ना, तो वो जो एक्सक्लूजन जो लोग फील करते हैं वो गरीबी है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक स्तर पर जो है भेदभाव होता है, वो भेदभाव गरीबी है।
ठीक है, तो ये बताया है यूनाइटेड नेशंस ने। नाउ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया, तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो 1919 में वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, जो हम बोलते हैं ना आजकल BPL है जी, बिलो पॉवर्टी लाइन है जी, है ना। तो वो जो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट है इंटरनेशनल लेवल पे, वो वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था 1990 में। अब उस साल यानी कि 1990 में जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो इन्होंने ये डेटा सामने लाया कि $1 पर डे किसी की इनकम है या जो इतना स्पेंड कर पा रहा है, उससे ज़्यादा अगर वो कोई किसी की इनकम है तो वो गरीब नहीं है, इससे कम है तो वो गरीब है, ठीक है ना। 2017 में आए हैं इनके रिवाइज मेजर्स, उसके बाद से कुछ लेटेस्ट नहीं आया है, तो मैंने कोशिश की सर्च करने की, बट और कोई रिवाइज मेजर्स नहीं है जो इन्होंने रिलीज़ किया, कोई रिपोर्ट है समथिंग। सो 2017 का जो रिवाइज्ड मेजर है, मतलब रिवाइज्ड जो डेटा है, उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक डिफाइंस एक्सट्रीम पॉवर्टी एज समवन लिविंग ऑन लेस देन US $1.90 पर डे, ये पी है, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यंत गरीबी क्या है, कि अगर कोई इंसान दिन का $1.90 भी खर्च नहीं कर पा रहा है अपने ऊपर, इसमें क्या आता है, कपड़े, खाना पीना, ऑफिस के लिए जाना, या अगर लेबर है तो अपने दूर काम के लिए जाते हैं, तो $1.90 भी अगर वो खर्च नहीं कर रहा है ना, क्योंकि खाना भी होता है दिन का, अगर आप कहीं बाहर भी खाते हैं, सस्ते से सस्ता आपको ₹40 का खाना मिलेगा, सब सस्ते से बिल्कुल सस्ता, तो तीन टाइम खाएंगे ₹120 तो वही हो गया, है ना। तो इतना अगर वो मतलब खर्च रहा है ना, एक्सपेंडिचर अगर उसका है, तो वो गरीब नहीं है, इससे कम है तो वो गरीब है, और इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन भी यही चीज़ जो है अब कंसीडर की जाती है। लेकिन ये थी 2017 की बात, अभी रिवाइज आप बहुत कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, अभी बहुत अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे, राइट। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए राइट नाउ हम वर्ल्ड बैंक का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का ही सारा का सारा कंटेंट है। नो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि ये जो इनकम का हमने पढ़ा कि कौन कितना एक दिन में खर्च करता है, उसको तीन चीज़ों में डिवाइड कर दिया है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड हाई इनकम कंट्रीज। जहाँ पे इनकम बहुत कम होती है, वहाँ पे आज की डेट में अगर $3.20 एक दिन की कमाई है तो वो गरीब नहीं है। अपर मिडिल कंट्रीज जैसे कि हो गया साउथ अफ्रीका, जैसे लोअर मिडिल कंट्रीज में कौन आता है, इंडिया आता है, तो इंडिया में अगर किसी की इनकम $3.20 है डॉलर पर डे तो वो गरीब नहीं है। वैसे ही अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में है $5.50 फिक्स किया गया है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, और जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पे जैसे कि USA है, वहाँ पे $21.70 एक दिन में अगर कोई अर्न कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया हल्का सा एस्टिमेशन। नाउ इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंडिया में पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक। कोई इंसान कितने कैलोरीज इनटेक लेता है, कितना खाता है ना, कितनी एनर्जी उसको मिलती है, उस हिसाब से डिफाइन किया जाता है गरीबी की जो रेखा होती है, पॉवर्टी लाइन होती है ना। क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, शहरी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, दोनों के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया है। शहरी इलाकों में अगर 2100 कैलोरी एक दिन में फिक्स की गई है, अगर कोई इंसान 2100 कैलोरीज इनटेक ले रहा है, ठीक है, तो वो गरीब नहीं है। अब ग्रामीण इलाकों में क्या है, कोई 2400 कैलोरीज को इनटेक ले रहा है, 2400 कैलोरीज का खाना इतना खा रहा है पूरे दिन में, तो वो गरीब नहीं है। तो आप सोचेंगे शहरों में ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि शहरों में अमीरी है, गांव में तो गरीबी है। लेकिन गांव में क्या है, फिजिकल काम ज़्यादा है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशु रखते हैं, तो उसमें फिजिकल काम ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा खाना है, ठीक है। इसीलिए जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे 2400 कैलोरीज फिक्स किया गया है, लेकिन शहरों में बैठा बैठाया काम है, कंपनी में जा रहे हैं, एक जगह बैठे हुए AC लग रहा है, कॉफ़ी मिल रही है, पानी सब कुछ है, तो वो अगर थोड़ा कम भी खाते हैं चलेगा, क्योंकि उनको फिजिकल टास्क नहीं है ना, है ना, बैठे बैठे तो मोटापा ही आता है। तो देखिए अर्बन एरियाज में 2100, रूरल एरियाज में 2400, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है जिसके ऊपर इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन है वो एस्टिमेशन जो है वो क्लियर किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात है, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से कैलोरी इनटेक कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए। हाँ कुछ तो डायरेक्ट आते हैं, जैसे कमेटीज में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक कमेटी का नाम दिया होगा, तो ये पॉवर्टी से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, चार ऑप्शन होंगे कि इसमें से जो है कनेक्टेड है, तो वो तो हो गया सीधा सीधा याद करने वाला, बट मैक्सिमम इकोनॉमिक्स में थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इंडिया इज होम टू 1/3 ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड।
पूरी दुनिया में जितनी भी गरीबी है उसका 1/3 इंडिया में है। अगर दुनिया में मान लीजिए 300 लोग गरीब हैं पूरी दुनिया में, तो 100 लोग गरीब लोग इंडिया में हैं, समझ रहे हैं? अब देखिए, इसी के साथ एक और चीज़ है कि अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश की पॉवर्टी गरीबी को भी जोड़ दिया जाए अगर, देन हाफ ऑफ द पॉवर्टी एग्जिस्ट इन दीज थ्री नेशंस ओनली। यस, अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों देशों को अगर एक ही बना दिया जाए ना, अगर मतलब वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आधी गरीबी इन तीन देशों में है, आधी गरीबी बाकी बची दुनिया में है, ठीक है? और मैक्सिमम, इन तीनों के बाद मैक्सिमम गरीबी, मैक्सिमम पॉवर्टी कहाँ मिलेगी? सब सहारन अफ्रीका में मिलेगी, ठीक है? अब एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, बाकी आपको छोड़ दें, नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर देखें, ठीक है? हिस्टोरिकली मतलब अगर हम बात करें शुरू से अभी तक की, सो फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, ये जो गरीबी रेखा हम बोलते हैं ना, अबव पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, APL है, BPL है, तो ये पहला एस्टिमेशन जो है पॉवर्टी लाइन का दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हुआ हमारा मीनिंग वाला पार्ट खत्म, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़ क्या हैं, तो इन कॉजेज़ को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। कॉजेज़ ऑफ रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी, ग्रामीण इलाकों में जो गरीबी है, शहरी इलाकों में जो गरीबी है, उसके क्या रीजंस हैं, ठीक है? वो हम पढ़ेंगे, पता होना चाहिए, ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर आप कहीं मेंस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बोलना है, वहाँ पे थोड़ी आपको ट्रिक्स के थ्रू वहाँ पे आंसर देने, वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, ठीक है? तो चलिए, इसी के साथ एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। पहले पढ़ लेते हैं कि जो ग्रामीण इलाकों में गरीबी है उसके क्या कारण है, ठीक है? पहला है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो फैमिली प्लानिंग है ना, ये चीज़ ज़्यादा गांव में नहीं चलती है, तो देखेंगे कि ज़्यादा बच्चे होते हैं गांव में, है ना, तो ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये मेनली इन्हीं इलाकों की वजह से बढ़ रही है ना, या तो एक तो होता है कि लड़के की चाहे तो वो गाँव में हो शहरों में हो, वो तो बिल्कुल कंसेप्ट ही अलग है, दूसरा होता है कि वैसे ही है ना, ज़्यादा जो प्लान करते हैं बेबीज तो उनका यहाँ पे है, ठीक है? तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ये एक रीज़न है। दूसरा है इलिटरेसी, अब ज़्यादा बच्चे हैं उनको पढ़ा नहीं सकते, सरकारी स्कूल में भी है 5वीं 10वीं तक पढ़ा दिया, ठीक है, ज़्यादा साक्षरता ही नहीं है, साक्षर ही नहीं है लोग, तो कैसे वो गरीबी से बाहर आएंगे, है ना? चाइल्ड मैरिज, लड़कियों की बचपन में शादी करा दी जाती है, वो चूल्हे चौके में बिजी हो जाती हैं, बाद में बच्चे हो जाते हैं, उनको पढ़ाना, तो वो खुद को टाइम ही नहीं दे पाती, जिसकी वजह से क्या है, अगर वो खुद ही साक्षर नहीं है, वो बच्चों को क्या साक्षर करेंगी, 5वीं 6वीं या 10वीं तक पढ़ी लिखी लड़की, वो क्या अपने बच्चों को मतलब आगे गाइड करेगी, है ना? तो ये भी एक गरीबी का रीज़न है, ठीक है? नाउ लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PDS, PDS स्टैंड्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सोसाइटी से खाना लाते हैं ना, मेरी जो राशन की दुकानें होती हैं, तो वहाँ ये जो राशन की दुकानें हैं गांव में प्रॉपर तरह से अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है, या फिर एक चीज़ आप देखेंगे कि वो बोलते हैं कि मैडम खाना अभी दाल आएगी, अभी दाल आएगी, तो वहाँ तक जो हम तो फिर भी अच्छी जगह पे रहते हैं, जो लोग बहुत ही दूर दराज के गांव में रहते हैं, है ना, वहाँ पे फिर ये चीज़ है कि वहाँ पे जो ये राशन की दुकानों वाला सिस्टम है अच्छे से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, या फिर सामान टाइप पे नहीं पहुँचता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, अब अगर घर में 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, वो सब खेतीबाड़ी कर रहे हैं, 2 बच्चे भी हैं वो भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, तो माँ बाप हो गए, 2 बच्चे हो गए, दादा दादी हो गए, सबका गुजारा खेतीबाड़ी से चल रहा है, तो एग्रीकल्चर लैंड इतने नहीं है जितना उस पर पॉपुलेशन प्रेशर है, ठीक है? सारे लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं और वो इतनी आउटपुट है नहीं, इतना पैसा बन नहीं रहा है खेतीबाड़ी से, तो वो भी गरीबी का कारण है। लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अदर देन एग्रीकल्चर, गांव में खेतीबाड़ी के अलावा कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, कोई जॉब्स ही नहीं अवेलेबल है, तो लोग क्या करेंगे, जो कम पढ़े लिखे हैं फिर तो वो खेतीबाड़ी करेंगे ना, ठीक है? ये रीजंस हो गए आपके रूरल पॉवर्टी के। अब देखिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, ठीक है? मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए रेगुलरली या नहीं, ये भी बताएं। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ अर्बन पॉवर्टी, शहरों में जो गरीबी है उसके रीजंस क्या है, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़, अब गांव से लोग आते हैं शहरों में जो थोड़े पढ़े लिखे हैं कि हाँ हम नौकरी करेंगे, ठीक है? तो अब गांव से तो लोग आ रहे हैं शहरों में, आ रहे हैं शहरों में बहुत लोग आ रहे हैं, भारी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ गई, अब जॉब्स इतनी है नहीं, तो फिर गरीबी आ गई, है ना? लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, हम क्या करते हैं ना, कोई कोर्स करते हैं, अरे अब तो जॉब मिल जाएगी, अरे जॉब कैसे मिलेगी, आपको स्किल्स ही नहीं, आपने सिर्फ थियोरेटिकल स्टडी की, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं है, है ना? नेक्स्ट आता है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सिटीज़, अब गांव से सारे लोग शहरों में आ जाएंगे तो शहरों में तो जॉब्स नहीं बढ़ेंगी ना, शहरों में तो जितनी जॉब्स हैं उतनी रहेंगी, उनको आपको कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा जो जॉब्स हैं उनको हासिल करने के लिए,
राइट। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है कि कोई प्रॉपर कोर्स कर लीजिए आप, है ना, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन बनना है तो उसका कोई प्रॉपर कोर्स कर लीजिए, ऐसे कोई प्रॉपर ट्रेनिंग। आईटी कंपनी में जाना है तो आईटी कोर्स कर लीजिए, कोई लैंग्वेज सीख लीजिए, पीएचपी सीख लीजिए, सी प्लस प्लस सीख लीजिए, जो भी जावा सीख लीजिए, है ना, इस तरह से। लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज, अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, शहर में इतने घर भी नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है कि इतने घर नहीं है तो जो किराए पे चढ़ाते हैं, रेंट पे चढ़ाते हैं, वो किराया बढ़ा देते हैं, तो वो भी एक रीज़न है गरीबी का, है ना। तो आप किसी भी तरह से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो थी, चार पांच तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल फॉर्म में, लेकिन बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स इसमें थे, ठीक है। अब जो हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है ना, उसमें हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, जिसमें आती है मेनली कमेटी, जैसे कि वाई के अलग कमेटी हो गया, सी रंगराजन कमेटी हो गया, कौन सी कमेटी कब आई, किसके क्या रिपोर्ट है, ऐसे चार कमेटीज हैं, उनके बारे में पढ़ना है बस, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, डायरेक्टली हम कमेटीज में जाएंगे तो ये सब चीज़ें तो आप समझ ही नहीं पाए ना, आपको दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद हम फिर जो एक तरह से बोलते हैं ना कि रटने वाली चीज़ें हैं, उसमें तो रटना ही है, चार कमेटीज कब कब आई, क्या क्या आउटकम है, बस, ठीक है। तो चलिए, ये इसके नोट्स ज़रूर बनाएं आप, और सब्जेक्ट नहीं बनाते, ठीक है, बट इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपके पास नोट्स तो होने चाहिए पढ़ने के लिए, उसके बाद बेशक आप दूसरे बुक्स रेफर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, बट एटलीस्ट नोट्स तो होने चाहिए, जिससे आप एट द एंड ऑफ टाइम जब एग्जाम आ रहा है प्रिपरेशन कर सके, रिवीजन कर सके, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।